भाजपा जिला कार्य समिति दौसा की बैठक का हुआ आयोजन। रैली के रूप में पहुंचे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जगह जगह किया लोगों ने स्वागत। पूनिया के साथ दौसा सांसद जसकोर मीणा, पूर्व बांदीकुई विधायक डॉ. अलका सिंह सहित पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा रहे मौजूद। रैली के दौरान सरकार द्वारा कोरोना के चलते जारी किए आदेश नजर आए बौने। डीजे सहित वाद्य यंत्रों पर लगे बैन के बावजूद रैली में जमकर बजे डीजे पर सतीश पूनिया के गाने। रैली के दौरान कई लोगों की कटी जेब, जिसमें करीब 40,000 की नकदी और एक मोबाइल की हुई चोरी। बांदीकुई पुलिस ने 3 जनों को लिया हिरासत में। बांदीकुई शहर में आज एक निजी होटल में भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आस्थान सतीश पूनिया ने शिरकत की। वही कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के साथ दौसा सांसद जसकोर मीणा, बांदीकुई पूर्व विधायक डॉ. अलका सिंह मौजूद रहे। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान शहर की अनाज मंडी में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को केलों से तोला और स्वागत किया। इसके बाद सभी जगह शहर में फूल मालाओं और सांपों से स्वागत किया गया। इस दौरान डॉ. अलका सिंह ने कहा कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले सामने आए और सरकार अपने प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है। इस दौरान प्रदेश की सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने का आरोप लगाया और कहा अब टूटी फूटी योजनाओं को लागू करने में लगी हुई है। सांसद जसकोर मीणा ने कहा कि भाजपा की हमारी दौसा की टीम एक है और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का समय आ गया है। वहीं कहा प्रदेश सरकार की नाकामी 12,000 दर्ज रेप केस बयां करते हैं। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाका लगाते हुए कहा कि दौसा के लोगों ने मेरा जुलूस निकाला, भगवान आप सबका जुलूस निकालें जिस पर जमकर ठाके लगे। मैं कार्यकर्ता हूं इसलिए उद्धार हूं। कार्यकर्ताओं के दौरान मान सम्मान मिला, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कार्य समिति और उसके कार्यों को लेकर कहा कि कार्य समिति के माध्यम से प्रदेश भर की समस्याओं को लेकर चर्चा होती है, ये कोई रसमलाई नहीं है जो आए बैठे खाए और चले गए। कोरोना काल में गरीबों की मदद करने में भाजपा संगठन को सबसे आगे बताया। किसान आंदोलन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये एक प्रायोजित आंदोलन है। प्रधानमंत्री के शौचालय निर्माण योजना की तारीफ की, कहा अब हम राजस्थान में पार्टी को बार बार का सिलसिला खत्म कर हर बार का आजे सिलसिला शुरू करेंगे। करीब 4 जनों की रैली के दौरान जेब कटी, जिसके चलते लोगों की जेब से करीब 40,000 की नकदी, एक मोबाइल और ATM चोरी हुआ। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए बांदीकुई पुलिस ने 3 जनों को हिरासत में लिया है। हालांकि रैली के दौरान पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मैं आज की सभा में बैठक कह लो या सम्मेलन कह लो, गरीबी रेखा का अंतिम व्यक्ति हूं। बोलिए हो कि आपका दिमाग बना हुआ है, पेट खाली है और बिना राशन के भाषण आखिरी व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण है और मैं जो क्लास पकड़ के आया था वो अलका जी ने, जसकोर जी ने, रामकिशोर जी ने पूरी कसर पूरी कर दी।